हेलो स्टूडेंट, स्टील स्ट्रक्चर की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग जॉइंट के बारे में, और साथ साथ बात करेंगे वेल्डिंग जॉइंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, कोई भी स्टील स्ट्रक्चर में बनाने के लिए हमें जो स्टील स्ट्रक्चर में यूज होने वाले मेंबर्स हैं उन्हें हमें अलग अलग तरीके से जोड़ना पड़ता है। जैसे स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर को हम जोड़ सकते हैं नट बोल्ट रिवेट्स के द्वारा, या फिर हम उन्हें जोड़ सकते हैं वेल्डिंग द्वारा। तो अगर हम वेल्डिंग द्वारा जोड़ रहे हैं तो हम उन स्टील स्ट्रक्चर के मेंबर्स का कौन कौन सा कनेक्शन हम बना सकते हैं, यानी ये कहें कि वेल्डिंग हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो उसी के मैटर में आज हम बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट वेल्डिंग जॉइंट के बारे में। देखिए, वेल्डिंग जॉइंट में क्या है कि किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में जो आपके स्टील कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जो आपके स्टील मेंबर यूज हो रहे हैं, उन्हें हम क्या करना है, उनको हमें दो या दो से अधिक पीसेस को हम क्या करते हैं, एक साथ बेल्ट द्वारा हम उन्हें जॉइंट करके हम कोई भी स्टील स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि ए वेल्डिंग जॉइंट इज ए पॉइंट। वेल्डिंग जॉइंट हमारा क्या हो सकता है, एक पॉइंट भी हो सकता है, एंड और एज, एक एज भी हो सकती है, यानी वेल्डिंग जॉइंट हमारा एक पॉइंट भी हो सकता है एंड एज भी हो सकती है। व्हेन टू और मोर पीसेस आर जॉइंट टुगेदर, जब हम क्या करते हैं उनमें दो या दो से अधिक पीसेस को हम क्या करते हैं जॉइंट, एक साथ उन्हें हम जॉइंट करकर हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम उन्हें जॉइंट करके हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मेंबर यूज हो रहे हैं, चाहे वो दो या दो से अधिक पीसेस हो, मेटल के दो या दो से अधिक पीसेस को हम क्या करते हैं जॉइंट करकर उन्हें पॉइंट द्वारा या उनको एज में जॉइंट करकर हम क्या करते हैं स्टील स्ट्रक्चर को हम बना पाते हैं। तो अब बात करते हैं वेल्डिंग जॉइंट हमारे कितने प्रकार के हो सकते हैं। वैसे अगर विशेषतर है जनरली अगर हम बात करें तो बेल्ट जॉइंट हमारे मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, एक हमारा फ्लैट बेल्ट एंड दूसरा हमारा बट बेल्ट, जिसे हम ग्रूव बेल्ट भी कहते हैं, बट बेल्ट और ग्रूव बेल्ट। तो वेल्डिंग हमारी दो तरीके से हो सकती है मेनली, एक हमारा फ्लैट बेल्ट, दूसरा हमारा ग्रूव बेल्ट। लेकिन और भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि हमारा स्पॉट बेल्ट, सीम बेल्ट, स्लॉट बेल्ट, प्लग बेल्ट, इस तरीके हमारे और भी वेल्डिंग हो सकती है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे इनको स्टील की प्लेटों के माध्यम से, हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देंगे कि किस तरीके से हमारी वेल्डिंग की जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्लैट बेल्ट से। तो फ्लैट बेल्ट क्या है, देखें फ्लैट बेल्ट में हम क्या करते हैं दो स्टील की प्लेट्स को क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराकर हम जॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर दो स्टील की प्लेटें हैं और इन दोनों स्टील की प्लेटों को हम क्या करें एक दूसरे के ऊपर रखकर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराकर हम इन्हें जॉइंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीन डायग्राम बनाए हुए हैं, पहले फ्लैट बेल्ट, तो आप यही समझो इनकी डिटेल कंटेंट। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट, इनके बारे में डिटेल कंटेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन आज हम सिर्फ समझेंगे वेल्डिंग के कितने टाइप्स हो सकते हैं और उनको हम प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं। देखें, फ्लैट बेल्ट का मतलब ये है कि जब दो स्टील की प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हम क्या कर दें जॉइंट कर दें, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराकर हम उसे जब जॉइंट करते हैं तो उसे हम फ्लैट बेल्ट कह सकते हैं। लेकिन ओवरलैप कराने के बाद भी हम फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है साइड बेल्ट। साइड बेल्ट क्या होता है, देखें फ्लैट बेल्ट हमारा क्या है, व्हेन टू प्लेट्स आर जॉइंट ओवरलैप, यानी जब हम क्या करते हैं दो प्लेटों को ओवरलैप कराकर हम जॉइंट करें तो उसे तो फ्लैट बेल्ट कहेंगे। लेकिन ओवरलैप कराने के बाद हम वेल्डिंग कैसे कर रहे हैं ओवरलैप कराने के बाद भी, इस बात पर डिपेंड करता है इसके टाइप्स ऑफ फ्लैट बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये हमारे तीन टाइप के फ्लैट बेल्ट हैं। फर्स्ट है हमारा साइड बेल्ट, दूसरा है एंड बेल्ट एंड तीसरा है डायगोनल बेल्ट। अगर हम बात करें साइड बेल्ट के बारे में तो देखें, जब फोर्स की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से, फोर्स अगर इस तरह है तो फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल हम क्या करते हैं वेल्डिंग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइड बेल्ट। तो हम यही कहेंगे व्हेन वेल्डिंग इज डन पैरेलल टू द फोर्स, व्हेन यहां पर हम लिख देते हैं इसको व्हेन वेल्डिंग इज डन, व्हेन वेल्डिंग इज डन पैरेलल टू फोर्स, पैरेलल टू फोर्स, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल फोर्स डायरेक्शन। तो आप क्या कहेंगे कि जब हमारी वेल्डिंग फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल की जाती है, जैसे हमारे पास ये दो प्लेट हैं और दो प्लेटों को हम क्या करें फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हम क्या करें यहां पर साइड में फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल ही इन दोनों प्लेट्स के, यहां पर आप देखें फोर्स अगर हम इस तरीके से लगा दें, यहां पर हमारे पास दो प्लेट हैं और फोर्स हमारा इस दिशा में लग रहा है अगर, तो फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है तो फोर्स की डायरेक्शन के अगर पैरेलल हम यहां पर अगर इसकी साइड में वेल्ड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं साइड वेल्ड हम कहते हैं। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर मैं वेल्डिंग करूंगा तो कहां पर करूंगा, ए वाली वेल्डिंग हम यहां पर करेंगे। तो ये जो मैंने यहां पर हैचिंग साइन दिखाया ये हमारा क्या है साइन है साइड बेल्ट का। तो ये हमारा जो हमने साइड वेल्डिंग की है कहां पर फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं साइड बेल्ट। अब बात करते हैं एंड बेल्ट क्या है। एंड बेल्ट व्हेन वेल्डिंग इज डन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जब
फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वेल्डिंग की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, साइड वेल्ड कहते हैं। जनरली है किसके टाइप है हमारे, फ्लैट वेल्ड के, एक दूसरे के ऊपर प्लेट ओवरलैप तो है पर उसके साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन भी डिपेंड कर रहा है कि हम किस टाइप का वेल्ड हम कर रहे हैं। तो देखें यहां पर अगर फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये है तो उस केस में अगर फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो इसे हम कहते हैं एंड वेल्डिंग। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्हेन वेल्डिंग इज डन, व्हेन वेल्डिंग इज डन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये हमारी कौन सी वेल्डिंग होगी, एंड वेल्डिंग। अब बात करते हैं डायगोनल वेल्डिंग क्या है, जब फोर्स की डायरेक्शन के डायगोनल पर हमारी वेल्डिंग की जाए, जैसे कि यहां पर हमारा फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है तो अगर फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये रहेगी तो और वेल्डिंग हम क्या करें, फोर्स की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से आ रही है और डायगोनल पर वेल्डिंग की जाए, ये हमारा डायगोनल, यानी हमारी वेल्डिंग की जा रही है वो कैसे की जा रही है, डायगोनल पर अगर वेल्डिंग की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल वेल्डिंग। तो अगर इनको आप पूरा कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं डायगोनल फ्लैट वेल्ड, आप कह सकते हैं साइड फ्लैट वेल्ड, आप कह सकते हैं एंड फ्लैट वेल्ड, क्योंकि फ्लैट वेल्ड्स के हमारे टाइप हैं। तो हमने यही कहा कि व्हेन वेल्डिंग इज डन टू द डायगोनल ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पर आप लिख लेंगे। अब फ्लैट वेल्ड समझ में आ गया कि भाई दो प्लेटों को हमें क्या जरूरी है, इसमें नेसेसरी है कि जब हम दो प्लेटों को हम एक दूसरे के ऊपर हम जॉइंट करके, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा के हम जॉइंट करें और फोर्स की डायरेक्शन पैरेलल है तो साइड वेल्ड, परपेंडिकुलर है तो एंड वेल्ड, और अगर डायगोनल है तो डायगोनल वेल्ड हम उसे कहते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट वेल्ड के बाद हम बात करते हैं बट वेल्ड के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के हमारे जो वेल्डिंग है। तो बट वेल्ड हमारा क्या है, बट वेल्ड या ग्रू वेल्ड, यानी कि जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखकर टक्कर पर रखकर जोड़ा था, यानी अब हम क्या करेंगे, दो हमारे पास प्लेट है, अब दोनों प्लेटों को एक दूसरे के टक्कर में रखकर हम इसको जोड़ रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनको आपस में, यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्लैट वेल्ड में जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो एक प्लेन में नहीं होती है। इस बात का ही मतलब समझे, मैंने कहा डिटेल्ड कंटेंट तो मैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ही, लेकिन अभी हम एक जनरल बात है हम यहाँ पर समझ लें, बेसिक रूल समझ लें कि जब हम फ्लैट वेल्ड कर रहे हैं तो फ्लैट वेल्ड के केस में क्या होगा कि हमारे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अलग अलग प्लेन में रहेगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन हमारी कैसे रहेगी, इस प्लेट पर जो फोर्स लगेगा हमारा ऊपर लगेगा, इस प्लेट पर फोर्स लगेगा हमारा नीचे लगेगा, तो हम ये कह सकते हैं जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसे अलग अलग प्लेन्स में है। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर अलग अलग प्लेन्स में है तो वो हमारा कौन सा बेल्ट होगा, फ्लैट बेल्ट। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बट बेल्ट की अगर हम बात करें तो जब दो हमारी स्टील की प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखकर, एक दूसरे के सामने रखकर आप ये कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, एक ही प्लेन में होगी, इन दोनों प्लेटों को हम एक दूसरे टक्कर पर ही रखकर जोड़ रहे हैं। तो देखें जब दो प्लेटों को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने रखकर ज्वाइंट करते हैं, जो भी मैं यहां पर कंटेंट बोल रहा हूं आप इसे नोट्स बना सकते हैं लिख के, साथ साथ वीडियो को यूट्यूब पर स्लो मोड में चलाकर आप इसको कंटेंट भी बना सकते हैं, नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो भी बातें मैं यहां पर बोल रहा हूं आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो देखें बट बेल्ट क्या है, बट बेल्ट का मतलब है जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखकर ज्वाइंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बट बेल्डिंग कहते हैं। अब बट बेल्डिंग भी हमारी, बट बेल्डिंग महंगी है इन कंपैरिजन ऑफ फ्लैट बेल्ट, क्यों, उसका कारण यह है कि बट बेल्ट को करने के लिए हमें इनके एज तैयार करने पड़ते हैं, फ्लैट बेल्ट में एज नहीं तैयार करना है, फ्लैट बेल्ट में क्या करना है, हमें एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखनी है और प्लेट रखने के बाद में हमने साइड में बेल्ट कर देना है, एंड में बेल्ट कर देना है, इसके लिए एज इज नॉट इंपॉर्टेंट इन फ्लैट बेल्ट, यानी फ्लैट बेल्ट में क्या है, एज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन बट बेल्ट एज इज इंपॉर्टेंट, यानी हमें क्या करना पड़ता है, बट बेल्ट करने से पहले प्लेटों के किनारे तैयार करने पड़ते हैं और प्लेटों के एज तैयार करने के आधार पर अगर हम बात करें, बट बेल्ट हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखें सबसे पहले अगर हम बात करें बट बेल्ट के टाइप की, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि बट बेल्ट क्या है, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखकर ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसे बट बेल्ट या ग्रुप बेल्ट कहते हैं। अब प्लेटों की एज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेल्ट हमारा स्क्वायर बेल्ट। स्क्वायर बेल्ट क्या है कि जब आप देखें यहां पर दो प्लेट आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लेट नंबर वन एंड प्लेट नंबर टू, तो स्क्वायर वेल्डिंग अगर हम करना चाहते हैं तो दोनों प्लेटों को हमने कहां रख रखा है, एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के हमने बिल्कुल टक्कर पर रख रखा है, तो उस केस में अगर हम वेल्डिंग स्क्वायर एज हमारी ये देख रहे हैं आप, यहां जो किनारा है प्लेट का वो कैसा है, हमारा स्क्वायर है और यहां पर हम इसके किनारे में कुछ भी
अंतर ना करें और ऐसे कि ऐसे ही हम जॉइंट कर दें, यानी बेल्डिंग अगर हम यहाँ भर देते हैं, ये देखें आप हमने क्या कर दिया, बेल्डिंग कर दिया, और बेल्डिंग करने के बाद में इनको हम जॉइंट कर दें, तो ये जो बेल्ड होगा हमारा विदाउट हमने क्या किया स्क्वायर एज में, यानी जो हमारे प्लेटों के एज है कैसी है स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप में हमने बेल्डिंग कर दी, तो इसे क्या कहेंगे स्क्वायर बेल्ट कहेंगे, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर बट बेल्ट। लेकिन मैंने अभी बताया कि फ्लैट बेल्ट से बट बेल्ट महंगे होते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमें क्या करना, हम आप देख रहे हैं आगे बहुत सारे टाइप के हमारे सिंगल वी डबल वी सिंगल यू डबल यू बेल्ट सिंगल बेबल डबल बेबल सिंगल जे डबल जे, तो बहुत सारे हमारे बट बेल्ट हैं, तो इनके जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं यू वी जे या बेबल, तो इन्हें क्या करना होगा, हमें जो प्लेट के एजेस हैं जो प्लेट के किनारे हैं इनको हमें पहले घिस कर हमें मशीनरी वर्क कर कर इस पर हमें इसकी एज रेडी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको बेल्डिंग कर पाएंगे। जैसे समझते हैं एक डायग्राम से, सिंगल बी बेल्ट है तो प्लेट नंबर वन एंड प्लेट नंबर टू, तो हमें इसको कैसे ज्वाइंट करना पड़ेगा, हमें बनाना है इसमें सिंगल बी, यानी बी शेप बनाई जाएगी, यानी प्लेटों को एक दूसरे के सामने रखेंगे, प्लेटों को एक दूसरे के सामने हम रखा इस तरीके से, लेकिन रखने के बाद भी क्या करेंगे इनकी एज तैयार की जाएगी, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम इसकी जो एज है देखें आप यहाँ पर मैं देख बना रहा हूँ यहाँ पर ये जो एज हमने ये तैयार की, इसी तरीके से हम मशीन शॉप में वर्कशॉप में जाकर हम क्या करेंगे इस तरीके की एज तैयार करेंगे। अब जो हमारी यहाँ पर आप शेप देख रहे हैं एक ये वाली, आप अगर मार्कर से समझें मार्कर की हेल्प से अगर आप समझें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमने एज तैयार की वो हमारी इस तरीके की एज तैयार हो गई, ये हमारी कैसी सिंगल वी शेप है। तो अब हम बेल्डिंग क्या करेंगे, बेल्डिंग इसमें भरेंगे हम, तो ये बेल्डिंग हमने की किस शेप में, ये हमारी बेल्डिंग हो गई सिंगल वी शेप में। तो ओवरऑल आपको डायग्राम में क्या समझना है, डायग्राम में ये समझना है कि आपकी जो बेल्डिंग है वो किस शेप में हो रही है। कंपटीशन में डायग्राम देकर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ये भी कंटेंट। तो देखें सिंगल बी वेल्ड की अगर बात करें तो एज कैसी है तैयार की हमने इस तरीके सिंगल वी शेप में, तो अब हम बेल्डिंग इसमें करेंगे। डबल वी शेप की अगर बात की जाए तो हम क्या करेंगे, एक वी शेप हम ऊपर बनाएंगे, इसकी एक एज ऊपर तैयार करेंगे और दूसरी एज हम नीचे तैयार करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी नीचे भी यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी एज तैयार करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पर एक ऊपर वी शेप बन गई एंड एक वी शेप नीचे की ओर बन रही है, तो ये जो हमारी शेप है वो प्लेट नंबर वन एंड प्लेट नंबर टू, तो ये हमारा कैसा शेप बनेगा, इसमें डबल वी बेल्ट बनेगा। क्लियर। आगे बात करें सिंगल यू बेल्ट, तो सिंगल यू बेल्ट क्या है, इसमें हमारी जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी, यू शेप की रहेगी। यानी कि अगर मैं आपको बना के दिखाऊं इसकी शेप, तो आप देखें यहां पर यू शेप हम इस तरीके से प्लेट के कॉर्नर्स प्लेट की जो एज तैयार करेंगे हम सिंगल यू शेप में तैयार करेंगे। तो प्लेट नंबर वन एंड प्लेट नंबर टू एंड साइन इज हेयर, तो ये हमारा कैसा, ये साइन है, ये साइन आपको याद रखने इसके साइन आपका, ये साइन जो आपको यू जो शेप दिखाई दे रही है ये शेप हमने जो बनाई ये हमारी सिंगल यू शेप है बट बेल्ट की। आगे बात करें डबल यू, तो प्लेट नंबर वन प्लेट नंबर टू एंड डबल यू हमें बनाना है, तो क्या करेंगे हम एक यू ऊपर एंड अदर यू दूसरी प्लेट में हमने यहां पर बनाया, ये हो गए हमारे टॉप एज पर। अब बॉटम एज की अगर हम बात करें तो एक हमारा यू इधर है और दूसरा हमारा यू कहां पर है, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कि एक उल्टा यू इन्वर्टेड यू यहां पर है और एक यू हमारा ऊपर की ओर बन गया है, तो ये हमारा कौन सा होगा, डबल यू। इसी तरीके से बेबल्ड की अगर हम बात करें तो बेबल्ड में एक एज हमारी प्लेट की स्क्वायर रहेगी, पर दूसरी जो एज है वो कैसी रहेगी, हमारी वी शेप में कटिंग करेंगे हम एक प्लेट में सिर्फ। तो प्लेट नंबर वन प्लेट नंबर टू में अगर ऐसा बिहेव है तो फिर हमारा कौन सा होगा, सिंगल बेवल्ड। अगर हम डबल बेवल्ड की बात करें तो उस केस में हमारा ये डबल वी एक ही प्लेट में आप बना देंगे और इस तरीके से एक प्लेट को स्क्वायर रहने देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डबल बेवल्ड। आगे बात करें सिंगल जे, सिंगल जे का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लेट नंबर यहाँ पर वन टू, ये प्लेट नंबर वन एंड टू, इसके लिए प्लेट नंबर वन एंड टू। अब देखें सिंगल जे बनाना है अब हमें, तो सिंगल जे में क्या करना है, एक तो हमें स्क्वायर शेप ही रखनी है, पर दूसरी वाली प्लेट में आप क्या करेंगे, दूसरी वाली प्लेट में आप एक सिंगल जे बना देंगे आप इस तरीके से यहां पर। तो ये हमारा बना जो जॉइंट बना ये कैसा है, हमारा सिंगल जे। और डबल जे की अगर बात होगी तो क्या करेंगे, एक जे ऊपर बना देंगे और एक जे हम नीचे की ओर बना देंगे इस तरीके से। तो ये जो हमने बनाए हैं शेप, वो शेप हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ हमारे बट बेल्ट कहलाते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ बट बेल्ट में हमने पढ़ा
बट बेल्ड में क्या होता है, डायरेक्टली कंप्रेशन एंड टेंशन, ये जो इतनी भी डिटेल कंटेंट की बात है वो तो आगे की बात है, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में। तो बट बेल्ट में क्या करते हैं, हम दो प्लेटों को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने रखकर उन पर हम ज्वाइंट करते हैं और बेल्डिंग करते हैं अलग अलग एज कॉर्नर तैयार करके। बट बेल्ट आर कॉस्टली बिकॉज एज हमें क्या करनी पड़ती है, रेडी करनी पड़ती है, एज की वजह से ये महंगे बेल्ट होते हैं, जबकि फ्लैट बेल्ट में ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली लगभग हम दो सरफेस को 90 डिग्री पर हम ज्वाइंट करते हैं एक दूसरे के ओवरलैप कराकर। चलो अब आगे बात करते हैं प्लग बेल्ट के बारे में कि प्लग बेल्ट हम कब करेंगे और क्यों करेंगे। तो देखें, हमने किया दो प्लेटों पर यहां पर बट बेल्डिंग, हमने यहां पर बट बेल्डिंग कर दी जितनी भी स्ट्रक्चर में हमें जरूरत थी, और हमने देखा क्या इसके अंदर कि हमने जब बट फ्लैट बेल्डिंग हमने की सॉरी फ्लैट बेल्ट हमने जब हमने किया दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराने के बाद, अब जब फ्लैट बेल्ट करेंगे तो उस केस में आपने क्या पाया कि दिस लेंथ ऑफ बेल्ट इज नॉट सफिशियंट टू बियर द फोर्स, यानी कि आप जो फोर्स बियर कराना चाहते हैं स्ट्रक्चर में उसके लिए ये बेल्ट लेंथ हमारी पूरी तरह से रिक्वायर्ड नहीं है, हमें और बेल्ट लेंथ की जरूरत है। तो अभी हम कहेंगे इन केस ऑफ नीडेड लेंथ ऑफ फ्लैट बेल्ट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड देन वी मे हैव प्रोवाइड प्लग बेल्ट, यानी कि जब हम फ्लैट बेल्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमने देखा कि जो हमने फ्लैट बेल्टिंग की लेंथ की है, जिस लंबाई में हमने फ्लैट बेल्ट किया है, चाहे साइड किया हो चाहे एंड किया हो चाहे डायगोनल कर दिया हो, उसके बाद भी अगर हम फोर्स बियर नहीं करा पा रहे हैं, बेल्ट लेंथ की और जरूरत है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्लेट की एक प्लेट की ऊपर टॉप सरफेस में, जैसे देखें यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर एक प्लेट में ऊपर यहां पर होल कर दिया है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देखें प्लेट प्लेट नंबर वन एंड प्लेट नंबर टू, हमें क्या करना है, दोनों प्लेट को ज्वाइंट करना है, ये भी आप फ्लैट बेल्ट की तरह ही हम इनको ज्वाइंट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, फ्लैट बेल्ट की तरह ही ज्वाइंट करने के बाद हमने देखा कि बेल्ट लेंथ सफिशिएंट नहीं है, तब हमने क्या किया, जो प्लेट है एक प्लेट में, सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लेट ये है दूसरी प्लेट ये है, और हमने एक दूसरे को ओवरलैप करा कर, हमने ओवरलैप कराने के बाद हमने क्या किया, इस प्लेट में हमने यहाँ पर होल कर दिया, होल करने के बाद में तो हमने क्या करना है, दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर आप ओवरलैप कराएंगे और इसके इस होल के अंदर आप क्या कर देंगे, बेल्डिंग को भर देंगे। तो ये बेल्डिंग हमारी कहलाती है प्लग बेल्डिंग, एंड साइन ऑफ प्लग बेल्डिंग हमारा क्या होता है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्लग बेल्ट हमारा ये होता है, प्लग बेल्ट का साइन। तो देखें अब जब आप होल कर देंगे तो हमने अगर इसे क्रॉस सेक्शन में देखें, ये हमारा टॉप व्यू है ये फ्रंट व्यू है, तो बेल्डिंग हम होल में कैसे भर दे रहे हैं, जो ब्लैक वाली प्लेट में होल कर दिया हमने, तो बेल्डिंग आप यहां भर दे रहे हैं इसके होल के अंदर, वो क्या होगा, दोनों प्लेट को कनेक्ट कर हमें ज्यादा लंबाई प्रोवाइड कर देगी बेल्ट की। तो ये हमने इस तरीके से अगर ज्वाइंट कर दें तो ये ज्वाइंट हमारा कहलाता है प्लग बेल्ट। मिनिमम साइज ऑफ प्लग बेल्ट हमारा 3 mm एंड मैक्सिमम साइज ऑफ प्लग बेल्ट हमारा 25 mm की प्लेट में हम करते हैं। आगे बात करें स्लॉट बेल्ट के बारे में, अब देखें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सर्कुलर होल्स कर रहे हैं, पता चल रहा है कि सर्कुलर होल्स के बाद भी हमारे पास जो लेंथ है वो कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब हम स्लॉट्स बनाना तैयार कर देंगे, यानी अब मैं क्या करूं, इस होल की जगह पर इसी प्लेट में होल की जगह पर मैं एक स्लॉट बना देता हूं यहां पर, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं इस प्लेट में मैंने क्या कर दिया है, स्लॉट बना दिया है, और इन दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप कराने के बाद हम क्या कर दें, स्लॉट में बेल्डिंग भर दें, तो उस केस में जो बेल्ट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमारा कौन सा, स्लॉट बेल्डिंग। तो प्लग बेल्डिंग कब जरूरत पड़ रही है, जब हमारी फ्लैट बेल्ट की जो जरूरत थी, जिसकी लंबाई हमने की है वो सफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस वी विल हैव टू डू प्लग बेल्ट। आगे स्लॉट बेल्ट की अगर हम बात करें तो स्लॉट बेल्ट हम कब करते हैं, जब हमें प्लग बेल्ट के बाद भी हमें जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कम है, तो उसके बाद स्लॉट्स बनाकर हम उसके अंदर बेल्ट लेंथ को बढ़ाने के लिए हम स्लॉट बेल्डिंग कर सकते हैं। आगे आता है सीम बेल्डिंग, तो देखिए अगर दो प्लेटों को, ये एक तरीके से हमारे क्या हैं, सारे फ्लैट बेल्ट ही हैं, लेकिन फ्लैट बेल्ट में हम कुछ प्लेट्स के साथ अलग वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने अलग अलग आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि हमारे इतने तरीके से बेल्डिंग हो सकती है। आगे देखें स्लॉट बेल्डिंग हो गई, आगे हमारा है सीम बेल्डिंग। सीम बेल्डिंग क्या है, सबसे पहले तो सीम बेल्डिंग का साइन समझें, क्योंकि साइन इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन।
साइन आता है, पूछे आया कि बताइए ये साइन हमारा किसका है, तो ये जो साइन हमारा है वो किसका है, सीम वेल्डिंग का साइन है, एक सर्कल एंड डबल कट मार्क पैरेलल टू ईच अदर, तो ये हमारा कैसा है, सीम वेल्डिंग का साइन है। अब कब यूज करते हैं, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड कंटिन्यूअसली, यानी जब दो प्लेटों पर हम क्या करें, फोर्स को कंटिन्यू लगातार हम लगा दें, प्रेशर कंटिन्यू अप्लाई करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, सीम वेल्डिंग यूज करते हैं। सीम वेल्डिंग में क्या करते हैं, हम सीम वेल्डिंग में इस प्लेट के इस किनारे पर यहाँ पर छोटे छोटे हम क्या करते हैं, स्पॉट बनाते जाएंगे लगातार, ऐसे कंटिन्यूस हमने इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट्स रखते जाएंगे लेकिन कंटिन्यू वे में, तो उसे हम कहते हैं सीम वेल्ड। अब सीम वेल्ड एंड स्पॉट वेल्ड में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पर सिर्फ आपका एक स्पॉट बनाया जाएगा, यानी सिर्फ एक स्पॉट बनाए तो उसे स्पॉट वेल्ड कहेंगे, अगर बहुत सारे स्पॉट बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सीम वेल्डिंग हम कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने बात की टाइप्स ऑफ वेल्ड के बारे में। अब क्या करेंगे, आगे के जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उन नेक्स्ट लेक्चर में पर्टिकुलर एक एक वेल्ड को हम डिफाइन करेंगे और इसमें जो कंपटीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी कवर करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके लाइक्स और शेयर ही हमारे क्या हैं, एनर्जी का एक पार्ट है, तो ये एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, उसी की वजह से आपको लेक्चर भी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।